झालर ही सही करती रही हूँ। देख मुझे तो गिफ्ट मिल गया दिवाली का। तुझे क्या मिला? मिला है ना, वैकेंसी अड्डा से नौकरी का पता चला और तैयारी कैसे करनी है इसके लिए भैया ने अड्डा 247 का वीडियो कोर्स दिला दिया। आज ही रिजल्ट निकला है छुटकी और मैं सिलेक्ट हो गया। अरे वाह, तेरा भी सिलेक्शन हो गया, अब तो मुझे तुझसे भी गिफ्ट चाहिए। नहीं तुझे देना होगा। भैया इनकी दिवाली तो रही नौकरी वाली, आज ही गिफ्ट करें अड्डा 247 का वीडियो कोर्स किसी अपने को और मनाएं ये दिवाली नौकरी वाली। हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड एज आई वाज गेटिंग सेवरल मेल्स एंड क्वेरीज एंड मैसेजेस एंड इट इज फ्लडेड विद समथिंग लाइक, मैम व्हाट शुड वी कंसिडर फॉर पीयू मेंस, व्हाट आर द थिंग्स जिसकी हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और क्या आप एक बता सकते हो कि कौन से वो स्पेसिफिक टॉपिक होंगे या कौन सा सेटिंग का फॉर्मेट होगा, कौन सा पजल का फॉर्मेट होगा जिसे हमें ज़्यादा अटेंशन देना है। ओके देखो, एज इफ आई नो इफ आई एम टॉकिंग, इफ आई एम डीलिंग और आई एम सजेस्टिंग एनीवन रिलेटेड विद पीओ मेंस, विच मीन्स कि वो बच्चे एक काफ़ी केपेबल हैं जो पीओ मेंस का तैयारी कर रहे हैं, मतलब मैं एक बहुत ही फिल्टर्ड बच्चों से बात कर रही हूँ। सो आई थिंक मुझे बहुत ही टाइनी टाइनी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आती हूँ, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, आपके अपने भी एक्सपीरियंस रहे होंगे कुछ चीज़ें। एक तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि आपके पीओ मेंस में अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो सिटिंग और पजल सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट चेंजेस, क्योंकि एक मुद्दा ये भी होता है कि मैम चेंजेस क्या हो सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि पीओ मेंस में सबसे ज़्यादा सिटिंग और पजल ही आते हैं। सो व्हाट कुड बी द प्रोबेबल चेंज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आईबीपीएस पीओ मेंस, सो इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग करेंगे ही करेंगे। सो आई थिंक कि शायद पहली चीज़ तो दिस इज़ फैक्ट कि ये और ये डोमिनेट करेंगे, बट आई थिंक शायद इस बार आपको एक क्वेश्चन सिटिंग और पजल का, वन क्वेश्चन विल बी आउट ऑफ बॉक्स, एक सवाल आपको सिटिंग और पजल का आउट ऑफ बॉक्स मिलेगा। एंड नाउ यू माइट थिंक, अब मैम आपने तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता दिया आउट ऑफ बॉक्स, क्या इसका कोई डायमेंशन हो सकता है? देखो मैं बस इतना कह सकती हूँ आउट ऑफ बॉक्स हो सकता है। अगर आप मुझसे एक एग्जाम्पल जानना चाहो तो मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दे सकती हूँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से कि यही आएगा, बट आई कैन जस्ट predict on some of the previous patterns, but this is also a fact कि आप IBPS को previous pattern से कभी भी prediction नहीं बना सकते हो, because ये हर बार unpredictable होते जाते हैं। So मैं यहाँ पर out of box के segment में अगर आप मुझसे पूछो तो I believe एक होना चाहिए इनके पास calculation oriented सवाल। ठीक है, एक होना चाहिए इनके पास calculation oriented in the sense एक बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन होना चाहिए, इट विल बी अ ट्रिकी वन एंड अ ट्रिकी वन बट नॉट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक आपके पास क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें दो दो पैराग्राफ की कहानी होती है, मतलब इतना लेंदी होता है ना कि देख के ही मॉरल डाउन हो जाता है यार नहीं करना इसे, एंड वी हैव अ क्लियर कट ओपिनियन, इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ने में ही 4 मिनट चला जाएगा, एंड वॉट अबाउट अटेम्प्टिंग इट, सो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो या ये एक सही अप्रोच भी है आपका, अगर आप ऐसा लेके चलते हो, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस अप्रोच कि एक एनालिसिस सवाल को देखते ही बना लेनी चाहिए, सो फॉलो दैट पैटर्न। ट्रिकी होगा बट इसके साथ एक एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो कि जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन होंगी वो बहुत कम होंगी, एक आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए आउट ऑफ बॉक्स की अगर मैं बात करूँ। या एक दूसरी प्रेडिक्शन जो मैं बना सकती हूँ आउट ऑफ बॉक्स की, एक तो मेरा कैलकुलेशन ओरिएंटेड बन रहा है व्हाट आई थिंक, एक दूसरा जो आई फील होना चाहिए दैट वुड बी समथिंग एक ही क्वेश्चन में आपको पजल और सिटिंग दोनों करने को दे दे, विच मीन्स दैट दे विल नॉट कैटेगराइज इट कि भैया 5 नंबर का सिटिंग है एंड ये 5 मार्क्स का पजल है एक ही में, एंड दे विल गिव यू 5 काउंटर क्वेश्चन। ठीक है, अब आप पूछो मैम ऐसा सवाल कैसा होगा, अगर आपने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स देखा होगा या कुछ बैच अटेंड किया होगा तो मैंने उसमें आपको एक इसका एग्जांपल भी दिया है, कुछ ऐसे सवाल जिसमें पजल और सिटिंग दोनों आ जाते हैं। अब फिर मैं पता है मैं आपके भी काउंटर ओपिनियन लेते हुए चल रही हूँ, कंसिडरिंग माई सेल्फ बोथ एज एन एस्पिरेंट एंड एज एन फैकल्टी। ठीक है, मैं दोनों को कंसिडर कर रही हूँ, फैकल्टी भी एज अ फैकल्टी एंड एज एन एस्पिरेंट ऑल्सो। सो एक बच्चा ये भी सोच सकता है कि मैम आपने फिर इन दोनों की ही प्रेडिक्शन क्यों अपनाई है, व्हाई ओनली दीज टू, वी हैव मेनी मोर थिंग्स आउट ऑफ बॉक्स।
बच्चों जाहिर से बात है आउट ऑफ बॉक्स के मामले में बहुत चीज़ें हैं, बट ये जो दो चीज़ों को कंसिडर करने का मेरा जो एक इंटेंशन है वो क्या है, क्योंकि उसके में ऐसा सवाल आते हैं। अब ये मत सोचना कि क्या ये कैट लेवल होगा, नहीं होगा। देखो एक होता है किसी के एग्जाम से इंस्पायर, फॉर्मेट को इंस्पायर करना, उसके फॉर्मेट को लेके अच्छा लगना, उस पर अपना सवाल बनाना, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। और उसके लेवल का सवाल बनाना जो एग्जाम में वही है उसी के सेम लेवल को कंसिडर करके सेम लेवल में बनाना, ये दोनों अलग बातें हैं बच्चों, मिक्स मत करना इन्हें। फॉर्मेट इज अ डिफरेंट थिंग एंड लेवल इज अ डिफरेंट थिंग। आई थिंक दैट दे विल पिक द फॉर्मेट। अब आप पूछो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद होगा डेटा फ्लो डायग्राम, आई होप यू रिमेंबर, यू हैव हर्ड अबाउट इट इन अ लॉजिकल रीजनिंग, डेटा फ्लो डायग्राम, ये कहाँ से आया है? कैट से आया है। लेकिन क्या सेम लेवल का आपको आपके मेंस के पेपर में, पीओ मेंस में दिया गया था? नहीं, लेवल नहीं था बच्चों, फॉर्मेट उसका था, लेवल आईबीपीएस ने उसको मॉडिफाई करा था, उसको बैंकिंग के लेवल का अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था। द थिंग इज दिस, अगर आप किसी चीज़ को पहले डील किए होते हो तो आप बहुत ईजी वे में उसे डील कर ले जाते हो, ठीक है। सो वन प्रेडिक्शन आई थिंक दैट दे विल कंसिडर दिस थिंग। द सेकेंड चैप्टर वुड बी डेटा सफिशियंसी। आई बिलीव दैट पक्का डेटा सफिशियंसी में से 5 सवाल आने चाहिए, और उस 5 सवाल में से भी आई बिलीव 1 या 2 क्वेश्चन, ईदर 1 or 2 marks, निश्चित रूप से आपको अगेन सिटिंग या पजल के देगा, ठीक है। डेटा सफिशियंसी के जो सवाल देगा 1 या 2 सवाल शायद सिटिंग और पजल का जरूर देगा। और वो क्या हो सकता है, अगर आप पजल के बारे में सोचो, इट कुड बी समथिंग लाइक फ्लोर अरेंजमेंट। बहुत लेंदी नहीं होगा बच्चों, नो मैटर, ये एक फैक्ट है, क्योंकि 1 marks मिलेगा आपको सिर्फ। अब 1 marks के लिए वो ऐसा थोड़ी ना कह देगा कि 9 फ्लोर है, 9 पर्सन है, 9 कलर है और 9 सब्जेक्ट है, ये नहीं बनाएगा। 1 नंबर है तो बस इतना सा करेगा, 5 फ्लोर है, 5 पर्सन है, और इसके रिस्पेक्ट में आपको जो स्टेटमेंट देगा 3 स्टेटमेंट दे देगा। मतलब आपके पास जो डेटा सफिशियंसी आएंगे वो 3 स्टेटमेंट ओरिएंटेड आएंगे। 3 स्टेटमेंट देने का इंटेंशन ये होगा क्योंकि 3 स्टेटमेंट में ना इनका एक काउंटर आपको, इनको इनको भी कंसिडर करना पड़ सकता है, इन्हें भी कंसिडर करना पड़ सकता है, इन्हें भी, या सबको लेना पड़ सकता है। एंड एक फैक्ट मैं आपको और बता दूँ, ये एक बहुत ही गलत अंदाज़ा होगा, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, बट फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस पर आपको बता रही हूँ, जब भी ये लोग डेटा सफिशियंसी देते हैं तो सेटिंग और पजल का मोस्ट ऑफ द टाइम, आई विल नॉट से एवरी टाइम क्योंकि हर बार हुआ भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दैट कि सिटिंग और पजल का आंसर एक्चुअली तीनों को मिला के ही बन पाया है। अधिकतर बार मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रियल पेपर, मैं किसी मॉक टेस्ट और किसी गूगल का सर्वे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दैट कि सबको मिला के ही आंसर निकल पाता है, ठीक है। सो एक इनकी, एक चांसेस इसकी बनती है डेटा सफिशियंसी की। अनदर वन वुड बी इनपुट आउटपुट 5 नंबर का। अब ये इनपुट आउटपुट आपको मेरे हिसाब से दे विल गिव यू बेस्ड ऑन नंबर्स, न्यूमेरिकल लेवल, न्यूमेरिकल बेस्ड इनपुट आउटपुट, रादर देन कंसिडरिंग इट ऑन अ लेटर बेस्ड और रादर देन कंसिडरिंग इट ऑन अल्फा न्यूमेरिक, मेरे हिसाब से ये आपको नंबर बेस्ड इनपुट आउटपुट देंगे। क्लियर इंटेंशन है, एक तो इनपुट आउटपुट या रीजनिंग में लॉजिक इन्वॉल्व होता ही होता है, और अगर आप नंबर्स भी लगा दो तो लॉजिक प्लस कैलकुलेशन हो गया। मतलब आप एज एन एस्पिरेंट आपको 2 पैरामीटर पे सोचना पड़ेगा, और जब आप 2 पैरामीटर पे सोचोगे तो इस एक फैक्ट है कि आप समय ज़्यादा लोगे, और वो पी यू मीन्स कंटेंशन ही यही है, लेवल इन्हांस करेगा ना वो आपका। कोडिंग डिकोडिंग, बट मुझे लगता है कोडिंग डिकोडिंग की चांसेस थोड़ी सी रेयर है, बट आई डोंट थिंक कि अगर वो कोडिंग डिकोडिंग देगा तो 5 नंबर में देगा, इसकी उम्मीद मुझे नहीं है। मेरे ख्याल से अगर वो देगा तो सिर्फ 2 या 3 नंबर में शायद देना चाहिए, एंड डेफिनेटली न्यू पैटर्न पे ही देगा, वो एलिमिनेशन वाली तो नहीं देगा, एंड इनकेस अगर एलिमिनेशन दिया तो सिर्फ 1 marks का देगा, क्योंकि यहाँ पे एक ये भी फैक्ट है बच्चों कि आपके पास 5 क्वेश्चन मिसलेनियस के होंगे, 5 सवाल मिसलेनियस के होने चाहिए। अब वो मिसलेनियस से क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं ऑर्डर वाले, है ना, कि इसकी हाइट इससे ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा है, इसकी हाइट केवल इससे ज़्यादा है, और आपको उसे एक सीक्वेंस में लाना होगा, ठीक है। 1 या 2 counter attack रख सकते हैं, और आपको 1 या 2 blood relation दे सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट दे विल गिव यू कोडेड फॉर्मेट,
एक छोटी सी स्टोरी होगी तीन चार लाइन की, काउंटर अटैक शायद सिर्फ एक रख देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए करी जा सकती हैं। सिलॉक्स और इनइक्वालिटी का आई डोंट थिंक, आई डोंट हैव एनी आइडिया वेदर दे विल गिव सिलॉक्स और इनइक्वालिटी, बट अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे इन दोनों की प्रेजेंस, सिलॉक्स एंड इनइक्वालिटी, दोनों की प्रेजेंस बहुत डाइसी लगती है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगी कि यार डाइसी लगती है, अगर मैंने बोल दिया तो आप ऐसा मत समझना कि आप इसे कंसिडर ना करो, बट हाँ एक सजेशन है, इस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन मत देना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत रहना कि 5 या 10 मार्क्स यहीं से विड्रॉ कर लोगे, इनका आना ना आना बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। तो आप इनके ऊपर कॉन्फिडेंट होके अपना कोई भी एक प्री पैटर्न लेके मत चलना, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर रहना, शायद ये दोनों एब्सेंट ही हों पेपर में, अब उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट वन वुड बी, जिसकी बहुत अच्छी खासी चांसेस हैं, इज अ लॉजिकल वन। एंड लॉजिकल में भी मेरे ख्याल से ये आपको वो लॉजिकल वाला सवाल देंगे जिसमें आपको एक, इट इज समथिंग लाइक RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप होता है, एक पैराग्राफ दे देगा और उसी एक पैराग्राफ के ऊपर ही आपसे assumption, कोर्स ऑफ एक्शन, या आपको पता है एक वर्ड इज, वन वर्ड इज अ कोर्स ऑफ एक्शन, एंड आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा या आपने सुना भी होगा अगर आपने PU मेंस का पेपर दिया है, दे यूज वन मोर वर्ड डिस, आपके ये मेंस के लेवल में यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन। दो लैंग्वेज होती है, एक होती है कोर्स ऑफ एक्शन, एक होता है इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन, या दोनों में डिफरेंस होता है। इमीडिएट मतलब तत्काल रूप से आप कौन सा डिसीजन ले सकते हैं, जो कोर्स ऑफ एक्शन के में हाँ होता है, जिस आप स्टेटमेंट को या जिस एक्शन को अंडर कोर्स ऑफ एक्शन आप एक्सेप्ट करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन में उसको लेके यस बोल दो, नो ज़रूरी नहीं है कि ये हो जाए। अब आप को इसका एग्जाम्पल क्या है, मैम एक नया वर्ड आप बोल के जाओ मत यहाँ से, नहीं मैं आपको एक नया वर्ड बोल के जाऊँगी नहीं, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करते हैं कहीं पे कोई एक एक्सीडेंटल केस है, ठीक है, ह्यूमन क्रिएटेड कैलामिटी है या बाय गॉड क्रिएटेड कैलामिटी, किसी भी तरीके की कैलामिटी है, कोई एक एक्सीडेंटल केस है। अब आपको कार्रवाई दे रहा है कि उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन आना चाहिए, जो भी लोगों का एक्सीडेंट हुआ है एंड ऑल दैट, उसका कॉम्पेंसेशन आना चाहिए। अब अगर मैं सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शन के फंडे सिर्फ सोचूं, तो हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन में एक चीज़ मान के चलते हैं कि अगर कभी भी कैलामिटी टाइप चीज़ होती है, एक्सीडेंटल केस होती है, तो गवर्नमेंट के साइड से जो कॉम्पेंसेशन या फंडिंग आती है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम्ड कार्रवाई होती है, हमेशा होती है। लेकिन बच्चों अगर आपसे इमीडिएट के सेगमेंट में पूछा जाएगा तो क्या आप इसके लिए विल यू से यस फॉर द इमीडिएट वन, आप इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन में इसको हाँ बोलोगे? नहीं। अगर मैं इमीडिएट, इफ आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये इमीडिएट के कैटेगरी में नहीं आता है यार। कॉम्पेंसेशन करना, फंडिंग करना डजंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इमीडिएट वन। इमीडिएट के लिए कार्रवाई होगी मेडिकल एड, एम्बुलेंस, दिस इज समथिंग लाइक एन इमीडिएट वन। अब एज एन एस्पिरेंट हम लोग जब उसको पढ़ते हैं ना, तो हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। लॉजिकल इज ऑल अबाउट अ गेम ऑफ वर्ड्स, सिर्फ एक लैंग्वेज, ये हटा दो अलग जवाब है, इसको रख दो अलग जवाब है। अगर मैं सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शन पूछ दूं, तो वहां पे फंडिंग, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, फंडिंग वाला एग्जांपल एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं इमीडिएट पूछ लूं, तो अभी यही जो मैंने एग्जांपल दिया है, फंडिंग वाला जो स्टेटमेंट आ जाएगा, एक्शन आ जाएगा, वो इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन में गलत हो जाएगा। यार एक बात बताओ, अगर कभी भी कोई एक्सीडेंटल केस होगा, तो आप सपोज करो आप वहां पे एक अथॉरिटी हो, आप इमीडिएट में कार्रवाई क्या करोगे? आप क्या ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई किसी का हार्ट टूटा है तो आप इतना रुपए, इतना फंडिंग है, इफ़ लेग इज़ फ्रैक्चर्ड देन द फंडिंग इज समथिंग लाइक दिस, इफ़ बोथ हैंड्स आर फ्रैक्चर्ड देन द फंडिंग इज समथिंग लाइक दिस। आप ये एक चार्ट बनाओगे या वहाँ पे लोगों को मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करोगे, फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे? सो गाइज, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन एंड कोर्स ऑफ एक्शन। सो क्या होता है कि आपको लॉजिकल में, अब हम लोग क्या सोचते हैं ये एक नया हो गया, इट इज समथिंग न्यू, इट इज नॉट न्यू यार। लॉजिकल में सिर्फ एक वर्ड को ट्विस्ट कर दिया जाता है, और एक वर्ड को ट्विस्ट करने से मीनिंग ही बदल जाती है, क्योंकि जो लॉजिकल रीजनिंग होती है दैट प्लेज विद लैंग्वेज। अगेन, नॉट ओनली लैंग्वेज, बट लैंग्वेज जिसमें तड़का लगा है लॉजिक का।
सो आप देख लेना आपको आरसी, इसके लिए मेरा सजेशन ये है, अगर आपको वो सर्टेन पैराग्राफ समझ में आ रहा है देन ओनली कंसिडर दैट, क्योंकि उसी एक पैराग्राफ के ऊपर आई थिंक इसको ये डिस्क्रिप्टिव का मतलब एक लेंदी एक कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करेंगे लॉजिकल को. तो आपको उसी में अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन एंड ऑल दैट, इमीडिएट एक्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द प्रोबेबल रीजन बिहाइंड दैट, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे वर्ड्स इन्वॉल्व कर देते हैं. अब प्रोबेबल रीजन, अब सोचो कि ये कुछ नया है, दिस इज नथिंग न्यू, कुछ भी वो वर्ड डाल देगा यार, यू शुड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, दैट्स इट. ओके, सो ये है. अब देखने में तो लग रहा है काफ़ी कम चीज़ें हैं, आई डोंट थिंक इसके बियॉन्ड आपके मेंस में कुछ हो सकता है, बट फिर भी अगर हम आई बी पी एस पी ओ मेंस की बात करें, सो मेरे हिसाब से 5 सवाल 5 क्वेश्चन वो कुछ डिफरेंट रखेगा, कुछ डिफरेंट इन द सेंस कुछ आउट ऑफ बॉक्स ही रखेगा. वो आउट ऑफ बॉक्स, चलो मैं एक ऐसा एग्जांपल लेती हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको लगे मैम अब तुम नर्वस हो गए ये नया क्या है, मैं ऐसा एग्जांपल दूंगी जो मैंने आपको पढ़ाया है. वो क्या है? कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट. आई होप आपको याद है, ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको. मेरे ख्याल से ये 3 से 5 क्वेश्चन कुछ एक अलग अलग फॉर्मेट पे देगा. अब वो डिसाइड पढ़ने के बाद होगा कि वो समझ में आ रहा है तो डूएबल है, नहीं आ रहा है तो घूम फिर के आपको अपने इन स्टैंडर्ड ऑप्शंस के पास आना पड़ेगा जो आप ट्रेडिशनली अटेम्प्ट करते आ रहे हैं या जिन्हें कंसिडर करते आ रहे हैं. अब सिटिंग और पजल में मेरा एक सजेशन है आपको, ऐसा सिटिंग जो ब्लड रिलेशन के साथ इन्वॉल्व हो, और अगर उसमें फर्स्ट रिलेशन के सेगमेंट में हो तो कोशिश भी करना. अगर फर्स्ट रिलेशन के सेगमेंट में ना हो, मतलब ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ जैसे शब्द दिए हो, तो उस सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन या उस पजल के साथ ब्लड रिलेशन, दोनों को अवॉइड करना, क्योंकि प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज में ब्लड रिलेशन बन जाएगा विद दैट वर्ड BIL and SIL, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ. और जब ब्लड रिलेशन में पॉसिबिलिटी बनेगी तो सिटिंग और पजल में भी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी. सो उसको लेके मेरा एक ओपिनियन है, अटेम्प्ट अगर आप करना चाहो तो ब्लड रिलेशन का सिटिंग या पजल तब टारगेट करना जब वो फर्स्ट रिलेशन के सेगमेंट में होंगे. फर्स्ट रिलेशन मतलब क्लोज बाय रिलेशन, फादर सिस्टर ब्रदर कजिन मैटरनल अंकल अंकल ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर, ये फर्स्ट रिलेशन वाले होते हैं, ठीक है. अगली पार्टी का रिलेशन मतलब आपके बेटर हाफ के साइड का रिलेशन वो इन लॉज में चला जाता है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, ये डूएबल है, सारे इन लॉज गड़बड़ नहीं होते हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ वाला रिलेशन सही है. लेकिन ये जो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ वाला रिलेशन इन्वॉल्व हो जाता है ये पॉसिबिलिटी बना देता है, इसलिए ये थोड़ा डाइसी केस हो जाता है, ठीक है. सो ये आपका एक मैंने आपको प्रोबेबल चार्ट दे दिया है, बट एज फार एज आई बिलीव आप इसको थोड़ा नेग्लिजेंस में लोगे, क्योंकि इसके साथ हमेशा ये होता है आप सोचते हो आंसर कुछ और हो कुछ और जाता है. सो बच्चों एक चीज़ मान के चलना, बेसिक ऑप्शन आपके पास करने वाले यही हैं, सिटिंग पजल, डेटा सफिशियंसी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, और या वो जो मिसलेनियस के आपको 5 क्वेश्चन दे देगा, 5 सवाल जो मिसलेनियस के दे दिए, यही आपके पास बेस्ट डूएबल ऑप्शन है. लॉजिकल डिपेंड्स ऑन दैट आरसी, न्यू पैटर्न 5 या 3 सवाल डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट. देने को तो इन्होंने न्यू पैटर्न में आपको बाइनरी कोडिंग भी दिया था, बट वो तो बिल्कुल डूएबल है. न्यू पैटर्न में डेटा फ्लो डायग्राम भी दिया था, वो तो बिल्कुल डूएबल था, बट उसी न्यू पैटर्न में एक बार IBPS PO ने डायरेक्शन और सिटिंग को कंपाइल कर दिया था, अब वो डूएबल था नहीं. उसी न्यू पैटर्न में डायरेक्शन और कोडिंग को इन्वॉल्व कर दिया था, वो डूएबल था नहीं. सो ये जजमेंट ऐसे बोलने से नहीं हो पाता है, वो उस पर्टिकुलर सवाल को देखने से और उसे एनालाइज करने से हो पाता है. सो अगर आप PO मेंस देने जा रहे हो तो आपने ऑलरेडी इतने मॉक लगाए होंगे. एंड एक सजेशन और है, कोशिश करिए अभी आपके पास एक अच्छी खासी बैंडविथ है तो कोशिश करिए डेली 2 मॉक ज़रूर दीजिए, ठीक है. और जब पेपर से 1 दिन पहले में बहुत नंबर ऑफ मॉक्स के पीछे फिर मत जाना, जस्ट 1 डे बिफोर में आप सिर्फ 1 मॉक ट्राई कर लेना, दैट इज इनफ. और उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको अपने दिल पे मत लगाना, क्योंकि नेक्स्ट डे आपकी परफॉर्मेंस का डे होगा, तो उसको अपने दिल पे मत लगाना मैंने बहुत बढ़िया कर दिया तो हवा में है, या गड़बड़ कर दिया तो अब डिमोरलाइज हो जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली मॉक का लेवल आपके रियल पेपर के लेवल से हाई होता है. सो अगर आप उसमें कुछ डगमगाती सी परफॉर्मेंस भी कर रहे हो, सो आई थिंक रियल पेपर में आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे.
और अगर आपको लगता है कि सिर्फ 20 मार्क्स निकल पा रहा है पीओ मेंस में, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करते समय भी ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, यार मैंने तो सिर्फ 18 ही सवाल किए रीजनिंग में, मैंने तो सिर्फ 20 ही किए, मैंने तो सिर्फ 22 ही किए, सो इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपका रीजनिंग लेंदी आएगा, लेंदी होगा एंड मोर ओवर दो चीज़ों में IBPS गेम प्ले करेगा, एक वन इज लेंदी एंड सेकेंड इज लेवल, दो चीज़ों के साथ गेम करेगा, प्री स्पीड के साथ गेम करता है, यहाँ पे यू विल बी स्टेयरिंग ऑन योर स्क्रीन समथिंग लाइक दिस दैट फ्रॉम वेयर यू वॉन्ट टू इनिशिएट योर सिचुएशन इज लाइक दिस। प्री में क्या होता है, आप रुकते नहीं हो, मेंस में क्या होता है, आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि शुरू कहां से करना होता है, सो इसके लिए टेंशन मत लेना, आप अकेले नहीं हो जो इस सिचुएशन में हो, बाकी सारे भी इसी सिचुएशन में हैं, यू आर नॉट एन एक्सेप्शन वन, बस फर्क इतना होगा शायद आपने 20 किया, किसी अगले ने 22 या 23 कर दिया होगा, कट ऑफ इतनी हाई जाने वाली नहीं है, ये एक आइडिया है, बट नो डाउट अगेन हो सकता है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है तो शायद बहुत ईजी कर दे, ये मुझे अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ये गैस लगाना ही थोड़ा अजीब लगता है कि IBPS POs को ईजी करे या मॉडरेट करे, या तो प्रीवियस ईयर में ही रहने देगा या उससे अबव जाएगा, एज फार एज आई बिलीव लास्ट ईयर से एक स्टेप आगे जाना ही जाना चाहिए, तभी वो कॉम्पिटिशन रेज होगा, एंड डोंट वरी अबाउट कट ऑफ यार, कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल मत रखना, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, और इन पे बहुत कॉन्फिडेंट होके मत जाना, अगर इन पे कॉन्फिडेंट होके जाओगे और ये नहीं मिलेंगे तो तकलीफ होगी, और अगर इन पे कॉन्फिडेंट होके नहीं जाओगे, मिल गए तो खुशी हो जाएगी, है ना, सो एक्चुअली इन पे कॉन्फिडेंट ना होने में ही ज्यादा खुशी है, मिल गए तो बेस्ट, नहीं मिले तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि ये सबका एक बहुत ही अटेंशन वाला सेक्शन होता है, एंड आई थिंक दैट इट इज अ डाइसी वन, ये शायद नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से दोनों ही नहीं आने चाहिए, अगर आ गया इट्स अ लकी ड्रॉ, ठीक है, ओके गाइज, सो दिस वॉज ऑल समथिंग फॉर स्ट्रैटेजी, एंड प्लीज कोशिश करो कि एग्जाम से कुछ दिन पहले 2-3 सेट लगाओ, 2 या 3, अगर आपको लग रहा है कि सब नहीं लगा सकते हैं तो रीजनिंग और मैथ्स जरूर लगाओ, रीजनिंग और क्वांट्स को डेली रूटीन में जरूर शामिल करो, ठीक है, क्योंकि GA एंड इंग्लिश इट इज समथिंग लाइक दैट, पढ़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, बट रीजनिंग एंड क्वांट्स इज समथिंग लाइक दैट, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अटेम्प्ट करने के बाद पता चलता है ऑन द मिड ऑफ द वे, ओह ये तो बड़ा डिस्गस्टिंग सवाल था, सो इसको प्लीज, ये आपकी स्पीड को चैलेंज करते हैं, ठीक है, तो और यही दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको रेस में अच्छी खासी स्कोप दे पाते हैं, तो इन दोनों को कोशिश करिएगा, आप एक पूरा सेट एक तो लगाइए साथ में इन दोनों को एडिशनल वे में लगा लिया करिए, और वन डे बिफोर में बहुत ज्यादा, एक दिन पहले में बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, ओके, एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर PO मेंस, आई होप आप सब बढ़िया परफॉर्म करेंगे, ब्रिलियंट परफॉर्म करेंगे, एंड पेपर टफ आ जाए तो परेशान नहीं होना, एडवांटेज है, क्योंकि टफ आ जाएगा तो कट ऑफ गिर जाएगी, कट ऑफ गिर जाएगी तो सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा हो जाएंगी, सो ठीक ही है टफ आ जाए, ओके, सो गाइस एट द एंड ऑफ द स्टोरी अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।